अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सादिया इरफान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आजकल YouTube पर और दूसरे सोशल मीडियाज पर बहुत ही ज़्यादा एक स्क्रब वायरल हुआ हुआ है और वो है कॉफ़ी स्क्रब। जी, तो मैंने कॉफ़ी स्क्रब अपने फेस पर यूज़ किया और मुझे उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर से भी ये स्क्रब शेयर करूँ, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। ये ना सिर्फ वायरल है बल्कि वाकई में इसका असर होता है। अगर आपकी स्किन पर भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हो गए हैं, या आपकी स्किन मुरझाई हुई है, या आपका चेहरा डल हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ कॉफ़ी स्क्रब। तो गाइस, दुनिया में कॉफ़ी लवर तो बहुत सारे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, बिकॉज आई लव कॉफ़ी। लेकिन कॉफ़ी सिर्फ पीकर इंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि फेस पर लगाकर खूबसूरत बनने के लिए भी होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कॉफ़ी स्क्रब कैसे बनाते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या रिजल्ट हैं। मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। वीडियो का एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है आपके लिए। कॉफ़ी में पाए जाते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और पॉलीफिनल, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही तरोताज़ा और अच्छा कर देते हैं और किसी भी किस्म के इरिटेशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। कॉफ़ी में मिलता है कैफीन, जो कि हमारी स्किन के मौजूद अंदर ब्लड फ्लो को और बढ़ाता है और हमारी स्किन उससे मज़ीद ग्लो करती है। कॉफ़ी करती है रिड्यूस हमारी स्किन के सेलुलाइट को और हमारी स्किन को मज़ीद इवन टोन करती है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और कॉफ़ी हमें देती है मज़ीद जवान और रेडियंट स्किन। कॉफ़ी हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करती है और इसको यूज़ करने से, यानी कॉफ़ी स्क्रब को यूज़ करने से हमारी स्किन मज़ीद होती है इवन टोन। कॉफ़ी स्क्रब यूज़ करने से हम महफूज रहते हैं रिंकल से, हाई क्वालिटी स्ट्रेन से और सनस्पॉट से। इसमें मौजूद तमाम तर प्रॉपर्टीज़ जेनरेट करती है हमारी स्किन में न्यू पोर्स, न्यू सेल्स और ये देती है हमें इवन टोन, ग्लोइंग एंड रेडियंट एंड यंगर स्किन। अगर आपकी स्किन में डेड सेल्स हैं तो आज और अभी से उठें और कॉफ़ी स्क्रब यूज़ करना शुरू कर दें और बना लें अपनी स्किन को मज़ीद यंगर, स्मूदर, सॉफ्टर। तो चलें चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कॉफ़ी स्क्रब बनाने। जी, तो कॉफ़ी का स्क्रब बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक साशा कॉफ़ी का। अगर आपके पास बॉटल वाली है तो आप हाफ टी स्पून कॉफ़ी का लेंगी इसमें, और मैंने यहाँ पर साशे लिया था क्योंकि साशे में इतनी क्वांटिटी होती है कि एक फेस के लिए काफ़ी रहती है। एक साशा कॉफ़ी का मैंने यहाँ लिया है और नेस्कैफे की कॉफ़ी है। आप कोई सी भी ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ कर सकती हैं, नो मैटर। उसके बाद 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर शुगर यानी चीनी का, और जो चीनी काम करती है हमारी स्किन पर जो डेड स्किन हो जाती है उसे रिमूव करने के लिए, ये बहुत अच्छी होती है। जैसे कि कोई मार्केट का प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं स्क्रब का, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं जो हमारी स्किन पर डेड स्किन रिमूव करते हैं और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करते हैं, तो चीनी उसी का काम करेगी और ये बहुत ही अच्छा ग्लो लेकर आएगी आपकी स्किन पर। फिर हम ये कॉफ़ी का साशा इसमें ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, जो कि थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून, 1 से 2 चुटकी के बराबर होगी वो। और ये हल्दी मैं इसमें ऐड करूँ, जैसा कि सब जानते हैं कि हल्दी होती है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, तो ये हमारी स्किन में जो दाने हो जाते हैं या किसी किस्म की जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है इसलिए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कर्ड यानी दही का 1/2 टीस्पून। कर्ड जो कि सब जानते हैं कि इसमें विटामिन ई और विटामिन सी का बहुत बड़ा ख़जाना होता है, हमारी स्किन को मॉइस्चर करती है, इसलिए मॉइस्चर करने के लिए दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें अपनी स्किन पर। ये बहुत ही अच्छी है और नेचुरल चीज़ होती है जो हमारी स्किन को नेचुरल मॉइस्चर देती है। अच्छी तरह मैं इन तमाम चीज़ों को मिला लूँगी, अच्छी तरह इनको एक मिक्सचर का फॉर्म दे देंगे हम मिलाकर, और उसके बाद हम इसे फेस पे लगाएंगे और अच्छी तरह स्क्रब करेंगे और फिर देखिएगा आपके क्या रिज़ल्ट आते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा इसका बैटर बना लेंगे और अपने फेस पर मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊँगी। हेलो, और इसकी स्मेल इतनी यमी थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसे खा ही जाऊं।
अच्छी तरह इसको फेस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रब है तो हमें हाथों से ही इसका स्क्रब करना है, मसाज करना है चेहरे पर, ताकि सारे डेड स्किन और तमाम तर जितने भी इसमें डेड सेल्स हैं हमारी स्किन में और जितने भी फंगस है या फिर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो सब के सब स्क्रब से रिमूव हो जाएं। मिनिमम हमें 5 to 10 मिनट्स तक अपने फेस पे इसका मसाज करना है। कम से कम आप 5 मिनट तक तो इसका स्क्रब करें अपने फेस पर, और जितने भी इसमें जो शुगर के हमने ऐड की थी इसमें शुगर, उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे हमारी स्किन पर स्क्रबिंग होगी उससे, और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। मैंने भी इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह इसका स्क्रब किया है फेस पर। हल्के हाथों से हमें स्क्रब करना है सर्कुलर मोशंस में, और जिस तरह स्क्रब का जो भी स्टेप्स होते हैं वो सब फॉलो करते हुए हमें स्क्रब करना है फेस पर। और इतनी प्यारी और मज़े की खुशबू आ रही थी कि मेरे मुंह में पानी आ रहा था। जी यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट तक मसाज किया है, और उसके बाद देखिए जी टडा, यू कैन सी कि मेरे फेस पे कितना ग्लो आ रहा है। यहाँ पर कोई मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ, कोई मेकअप नहीं है, ये बिल्कुल मेरा मुंह सिर्फ पानी से धोकर आई हूँ अपना मुंह, और आप देख सकते हैं ग्लो। जी तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और आप भी इसको ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि सबको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे भी इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कॉफ़ी स्क्रब बनाना बहुत आसान है, आपने देख लिया, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाता है, और आप इसे वीक में 2 दफ़ा आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, अब तक ना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत सारा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।